हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप अपने ब्लॉग के अंदर एक SEO फ्रेंडली वर्ड काउंटर टूल ऐड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो वर्ड काउंटर टूल है, यही टूल को मैं आपके ब्लॉग के अंदर ऐड करना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये टूल है, इसके मेन फंक्शन क्या है। तो अगर आप अपने ब्लॉग के अंदर ये टूल ऐड करते हो तो सबसे पहले तो आपको बहुत ही सारे बेनिफिट हो गए। लाइक अगर आप अपने ब्लॉग के अंदर ये टूल इंटीग्रेट करके इसको प्रमोट करते हो, या तो आपके होम पेज के अंदर इसका लिंक ऐड करते हो, तो वहाँ पर आपके ब्लॉग के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा आएगा। इसके बाद विजिटर आपके ब्लॉग के अंदर आकर जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड है इसको काउंट कर पाएंगे, कितने कैरेक्टर है इसको काउंट कर पाएंगे, नंबर ऑफ सेंटेंस, पैराग्राफ वगैरह। इसके बाद साथों साथ ये भी काउंट कर पाएंगे कि जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसको रीड करने में कितना टाइम लगेगा। इसके बाद मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में आपको कहा है कि SEO फ्रेंडली, तो ये जो टूल है वो SEO फ्रेंडली भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखा जाएगा अगर कोई विजिटर इसका कंप्लीट पोस्ट का कंटेंट यहाँ पर पेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली ये टूल इसको कीवर्ड भी काउंट करके देता है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखा जाएगा जो पर्टिकुलर कीवर्ड है वो कंप्लीट पोस्ट के अंदर कितनी बार काउंट हुआ है वो भी आपको यहाँ पर ये काउंट करके देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर कि किस तरह से आपको इसको वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर इंटीग्रेट करना है। तो ये जो टूल है वो गिटहब के अंदर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में है। आपको इसका जो कोड है वो गिटहब से यूज़ करना है। इसके बाद मेरा एक वर्डप्रेस का ब्लॉग है, आपको पता होगा WP Mesh, इसके अंदर मैं आपको इसको इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। अगर देखिए डायरेक्ट डोमेन के अंदर आपको इसको होस्ट करना है तो बहुत ही आसान है, आप एक मिनट के अंदर ये टूल को होस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने करके रखा इस तरह से, लेकिन मैं आपको बताऊँगा वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से आपको इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि जो ये टूल के लिए आप सेपरेटली डोमेन परचेस करके ये टूल को नहीं चला सकते, क्योंकि आपको भी पता होगा कि डोमेन वगैरह को आपको परचेस करना होगा, तो आपके लिए यही सही रहेगा। तो आपके पास ब्लॉग है तो इसके अंदर आप इस टूल को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये मेरा ब्लॉग ओपन है, इसके अंदर इस टूल को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये टूल को आपके जो लाइव ब्लॉग के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए आपको डैशबोर्ड ओपन करना होगा और आपको फाइल मैनेजर भी ओपन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक कस्टम पेज टेम्पलेट बनाकर ये टूल को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेविगेशन मेनू और फोटर सेम रहेगा, बाकी जो हमारा ये टूल है ये वाला ये कंप्लीट हमारे ब्लॉग के अंदर शो होगा। तो सिंपल आपको करना क्या होगा, तो आपको डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन तो करना है, इसके बाद आपको फाइल मैनेजर भी ओपन करना है। तो मेरा जो ब्लॉग है वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर है, तो मैं यूज़ करूँगा फाइलजिला का। आप अगर आपका ब्लॉग शेयर्ड होस्टिंग के अंदर है तो आप cPanel का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम वेयर और WW, इसके बाद HTML, HTML के अंदर हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर आपको देखा जाएगा। ये जितने भी फोल्डर और फाइल है वो सेम आपके cPanel के अंदर भी होगी, तो यहाँ से आपको सिंपल मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे ब्लॉग के अंदर एक कस्टम पेज का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। आपको पता होगा कि पेजेस के अंदर हम जाते हैं, एड न्यू पेज के अंदर हम जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थीम के हिसाब से टेम्पलेट मिलते हैं। लाइक यहाँ पर हम जाते हैं जो पेज एट्रीब्यूट के अंदर, इसके बाद आपको देखा जाएगा यहाँ पर जो हमारे अभी थीम के अंदर किसी भी प्रकार का कस्टम टेम्पलेट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। आपको सबसे पहले तो जाना होगा आपके फाइल मैनेजर में, इसके बाद WP Content, इसके अंदर आपको जाना होगा थीम्स के अंदर, इसके बाद आपको जो भी थीम आप यूज़ करो इसके अंदर, इसमें से आपको सिंपल फाइंड करना है page.php। सिंपल इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, या तो आपके पास शेयर्ड होस्टिंग है तो इसको आपको एडिट मोड में ओपन करना है। तो यहाँ पर पेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, हम इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं। हमें क्या करना है, सिंपल ये जो कंप्लीट पेज है इसको एडिट करना है। तो आपने शेयर्ड होस्टिंग के अंदर इसको एडिट मोड में ओपन किया है, अब आपको क्या करना है, सिंपल एक न्यू पेज क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ड काउंटर, इसके बाद पेज, और आपको सिंपल इसका एक्सटेंशन देना है .php, इस तरह से इसको यस करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे एडिट मोड में। सिंपल आपको जितना भी यहाँ पर कोड है इसको कॉपी करके ये पेज के अंदर पेस्ट करना है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो
ये जो कमेंट्स के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा है इसको आप रिमूव कर दीजिए। और अब आपको ये सिंपल कमेंट्स के अंदर लिखना है टेम्पलेट, इसके बाद आपको लिखना है टेम्पलेट नेम, और आपको यहाँ पर इसका नेम देना है। तो यहाँ पर रखेंगे हम वर्ड काउंटर पेज इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जो कमेंट्स है वो सिंगल लाइन है, तो इस तरह से यहाँ पर कमेंट्स को हम एडिट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट का नाम। ये आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर शो होगा डब्ल्यू से पेज। इसके बाद इसके अंदर से हेडर हमें ऑटोमेटिकली फेच करना है, हमारा जो डिफॉल्ट हेडर है हमारे थीम के अंदर। यहाँ पर आपको देखा जाएगा ये मेनू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हेडर को रहने देंगे। इसके बाद इसके अंदर जितना भी जो कंटेंट है इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें फोटर भी चाहिएगा, तो ये रहा यहाँ पर हमारा फोटर भी हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। अब ये जो पेज है इसको आपको सेव करना है, और सिंपल आपको करना क्या है, जाना है आपको गिटहब में। वहाँ पर आपको सबसे पहले तो index.html ओपन करना है, ये वाला। इसके अंदर से आपको क्या करना है, बॉडी के अंदर जितना भी जो कंटेंट है कोड इसको आपको कॉपी करना है div तक। स्क्रिप्ट को आपको कॉपी नहीं करना है, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, इसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको ये जो पेज है इसको आपको आपके अगर शेयर्ड होस्टिंग के अंदर है तो सेव कर दीजिए, और आपने फाइलजिला के अंदर डाउनलोड किया तो फिर से आपको आपके जो थीम के फोल्डर के अंदर अपलोड करना है, जिस तरह से यहाँ पर हमने अपलोड किया है। अब ये इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फाइल मैनेजर का यूज़ नहीं करना है, सिंपल जाएंगे हमारे डैशबोर्ड के अंदर। अब आपको डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले जाना है अपीयरेंस के अंदर, इसके बाद थीम एडिटर में, और यहाँ पर आपको सबसे पहले ओपन करना है हेडर डॉट PHP फाइल। यहाँ पर आपको देखा जाएगा किसी भी प्रकार की आपकी थीम हो इसके अंदर आपको हेडर डॉट PHP फाइल मिलेगा। इसके बाद आपका जहाँ पर हेड एंड होता है इसके बिल्कुल ऊपर आपको लिखना है सिंपल स्टाइल लिखना है, इसके बाद इसको एंड करना है। ये जो स्टाइल है इसके अंदर आपको गिटहब के अंदर जाना है, इसके बाद आपको एक स्टेप बैक जाना है। इसमें से आपको CSS फोल्डर ओपन करके स्टाइल डॉट CSS फाइल है इसको ओपन करके इसमें से आपको सिंपल जहाँ से आपका जो H1 स्टार्ट होता है यहाँ पर आपको देखा जाएगा यहाँ से कॉपी करना है। आपको पूरा कोड कॉपी नहीं करना है, अगर आप पूरा कोड कॉपी करोगे तो आपका भी लेआउट चेंज हो जाएगा जो आपका ब्लॉक का है। तो आपको ध्यान रखना कि H1 से आपको कॉपी करना है और आपको एंड तक कॉपी करना है। इसको सिंपल आप स्टाइल के अंदर पेस्ट कर दीजिए, इसके बाद इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद आपको ओपन करना है footer.php। footer.php के अंदर आपको जाना है बॉटम में, बॉडी के बिल्कुल ऊपर आपको लिखना है स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपको इसको एंड करना है और आपको इसके बीच में कोड पेस्ट करना है। इसके लिए आपको जाना होगा फिर से गिटहब में, यहाँ पर से आपको सिंपल बैक स्टेप जाना है और आपको ओपन करना है js फोल्डर, इसके अंदर wordcounter.js है इसको ओपन करना है। इसके बाद इसमें से आपको स्टार्टिंग से यहाँ से कोड कॉपी करना है और आपको एंड तक का जो भी कोड है इसको कॉपी करना है और आपको सिंपल पेस्ट करना है आपके स्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से। इसके बाद इसको भी आप अपडेट कर दीजिए। तो ये अब कंप्लीट जो कोड है वो आपके ब्लॉक के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है। इसके बाद डैशबोर्ड को एक बार रिफ्रेश कीजिए। अब आप एक बार आपके ब्लॉक को विजिट करके चेक कर लीजिए कि कस्टमाइजेशन के अंदर मतलब कि आपके डिज़ाइन के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस तो नहीं आया है। इसके बाद ऐसा लगे तो एक बार आप जो पेजेस हैं इसको भी विजिट कर लीजिए, आपको देखा जाएगा पेजेस के अंदर भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आया है। मतलब कि आपका जो भी कंटेंट है जो मतलब कि आपका जो भी डिज़ाइन है वो अभी सेम है। तो अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो चुका है सिंपल। अब आपको ये टूल आपके ब्लॉग के अंदर लाइव करना है। किस तरह से आपको जाना है पेजेस के अंदर एड न्यू पेजेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है आपको वर्ड काउंटर लिखना है। ये आपका जो पेज है इसका URL रहेगा वर्ड काउंटर, ये शो नहीं होगा आपके पेज के अंदर क्योंकि ये कस्टम पेज टेम्पलेट के अंदर शो होगा।
वर्ड काउंटर हमने लिख दिया है। इसके बाद आपको साइड बार के अंदर जाकर अब जाना है पेज एट्रीब्यूट के अंदर, वहाँ पर अब आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो हमने रिसेंटली कस्टम टेम्पलेट डिज़ाइन किया था वो आपको शो होगा, WC पेज। सिंपल आपको इसको सिलेक्ट करना है, बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद ये पेज के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कंटेंट या तो कोड ऐड नहीं करना है, सिंपली आप इसको पब्लिश कर दीजिए। पेज सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है, सिंपल एक बार आप इसको विजिट करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे ब्लॉग के अंदर वर्ड काउंटर टूल ऐड हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, दूसरे ब्राउज़र के अंदर ओपन करेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपको देखा जाएगा वर्ड काउंटर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब ये परफेक्टली अभी वर्क कर रहा है, मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और बाद में आपको इसको थोड़ा कस्टमाइज़ करके भी दिखाऊंगा। ये पोस्ट है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर से हम क्या करेंगे, कुछ पैराग्राफ को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। आपको देखा जाएगा ये जो अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसके अंदर टोटल 169 वर्ड है, इसके बाद इतने कैरेक्टर, सेंटेंस, पैराग्राफ, इसके बाद इतना रीडिंग टाइम और इसके अंदर इतने कीवर्ड वगैरह, मतलब कि ये टूल अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब आपको इसके अंदर कुछ जो कस्टमाइजेशन करना है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये पेज ओपन है, आपको देखा जाएगा WC पेज आपके पास आपके फाइल मैनेजर के अंदर ओपन होगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसका जो टाइटल है वो इस प्रकार का करना है, तो बहुत ही आसान है। ये जो H1 है इसके अंदर मुझे थोड़ा सा CSS ऐड करना होगा लाइक दिस। आपको यहाँ पर देखा जाएगा मैंने जो ऐड किया है IX, इसके बाद वर्ड काउंटर और थोड़ा सा CSS। जो फाइल को हम सेव करेंगे इसके बाद यहाँ पर फिर से इसको रिफ्रेश करके अपलोड करेंगे। अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो टूल है इसका टाइटल चेंज हो जाएगा। इसको हम ओवरराइड करेंगे तो फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा जो टाइटल सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसके बाद अगर आपको इसको जो आपके मेनू के अंदर लिस्ट करना है तो सिंपल क्या करेंगे, अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, इसके बाद आपको जाना है मेनू के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी मेनू है आपको देखा जाएगा मोर, और मेनू के अंदर एक और ऑप्शन ऐड करेंगे कस्टम लिंक के अंदर जाकर यहाँ पर हैश का साइन और यहाँ पर लिखेंगे और सिंपल टूल्स, इसके बाद इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा टूल ऐड हो चुका है, इसको हम मोर के ऊपर ले लेंगे यहाँ पर। अब हमें इसके अंदर सब मेनू ऐड करना है, तो इसके अंदर हम आइकॉन ऐड नहीं करेंगे, सिंपल आपको देखा जाएगा वर्ड काउंटर का पेज है इसको टूल के अंदर ऐड कर देंगे, इसके बाद इसको सेव कर देंगे। इसके बाद जाते हैं फिर से टूल के अंदर रिफ्रेश करते हैं। अब आपको देखा जाएगा टूल, इसके बाद वर्ड काउंटर। अब जाते हैं दूसरे ब्राउज़र में, यहाँ पर होम पेज ओपन करेंगे और यहाँ आपको देखा जाएगा टूल, इसके अंदर वर्ड काउंटर, इसको ओपन करते हैं तो आपको देखा जाएगा IX वर्ड काउंटर। तो इस तरह से ये जो टूल है इसको आप अपने ब्लॉग के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अभी ये परफेक्टली रनिंग मोड में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, काफ़ी तो ब्यूटीफुल ये टूल लग रहा है। इसके बाद आप अपने हिसाब से आगे पीछे ऐड भी लगा सकते हो, साइड बार भी ऐड करके इसके अंदर ऐड लगा सकते हो, तो इसके अंदर विजिटर आएंगे और आपको इसकी मदद से अर्निंग भी होगी। तो इस तरह से आप ये टूल को आपके ब्लॉग के अंदर ऐड कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।